गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है 6। 11th केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है 6। इसमें आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, इट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ ए कंपाउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट from its elements in their most stable states। For example हम बात कर रहे हैं जैसे वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जैसे H2 गैस है, और ये आपका क्या बना रहा है, वाटर H2O लिक्विड बना रहा है, और इसमें जो डेल्टा H है फॉर्मेशन की वो कितनी है, -285.8 किलोजूल मोल इनवर्स। तो देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कह रहा है, इट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कब, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बनने में वन मोल ऑफ कंपाउंड, एक मोल कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, एक मोल जो कंपाउंड है इसके एलिमेंट से, इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट से एक मोल कंपाउंड को बनने में जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे वाटर को बनने में आपकी कितनी लगती है, -285.8 किलोजूल पर मोल, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस, it is defined as the enthalpy change per mole of the substance when it undergoes combustion, when it
अंडरगोज कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज का जलना। एंड ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं बींग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, बींग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, बींग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें जैसे बात करते हैं, जैसे जो आपका ब्यूटेन होता है, जो घर में एलपीजी गैस होती है उसमें मेनली क्या होता है ब्यूटेन, तो जो ब्यूटेन का कंबस्शन होता है C4H10 जो गैस है इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे हो रहा है आपका 13/2 O2, तो ये किस में आपका चेंज हो रही है 4CO2 गैस प्लस 5H2O लिक्विड। इसमें जो आपकी डेल्टा सी कंबस्शन में जो एनर्जी लीज हो रही है वो कितनी है -2658.0 किलो जूल मोल यूनिवर्स। कितनी हो रही है 2658 किलो जूल मोल यूनिवर्स। तो ये देखो क्या थी, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज। आपकी क्या थी एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, एक मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए कब, व्हेन इट अंडरगोज कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब ये है किसी भी चीज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब क्या कह रहा है व्हेन इट अंडरगोज कंबस्शन एंड ऑल द रिएक्टेंट, और जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होने चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट में और एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। जैसे ये C4H10 जो ब्यूटेन गैस है आपके जो एलपीजी घरों में सिलेंडर के अंदर जो ब्यूटेन गैस है इसका जो कंबस्शन होता है तो क्या क्या रिलीज होती है CO2 वाटर, और इसके कंबस्शन से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि हम उससे कोई भी चीज को जनरली क्या कर सकते हैं हीट कर सकते हैं या पक हम कुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ATOMIZATION एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या कह रहा है, इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग वन मोल ऑन ब्रेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स इन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स इन
गैस फेज टू ऑब्टेन एटम्स इन गैस फेज। भाई क्या है एंथैल्पी चेंज, जब क्या एक मोल ऑफ बॉन्ड्स है ना कंप्लीटली ब्रेक हो जाए टू ऑब्टेन एटम्स इन गैस फेज, और वो किस में ऑब्टेन हो गैस फेज में, जैसे आपका है और एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका मीथेन है CH4 है, ये किस में ब्रेक डाउन हो जाए कार्बन में हो जाए, और आपका 4 हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में, तो इसमें जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितनी है, जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है 1665 किलो जूल मोल इनवर्स 1665। देखो ये क्या है एंथैल्पी चेंज, क्या कह रहा है एंथैल्पी चेंज कब हो रही है ऑन ब्रेकिंग तोड़ने में वन मोल ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड देखो यहाँ एक है दो नहीं है, यहाँ दो होते तो दो मोल, एक मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम इन इट्स गैसेस फेज, ये एक मोल बॉन्ड टूटकर इसके गैस स्टेट में टूट गया, इसमें जो है आपकी एंथैल्पी चेंज होगी वो क्या, देखो ये आपका एक मोल था कोई भी कंपाउंड था ये इसके एटम में टूट गया, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और इसमें देखो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है इसलिए यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो बाकी में माइनस का आ रहा था क्योंकि वहां एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ में इसको तोड़ने में एनर्जी लग रही है तो इसलिए प्लस का साइन आ रहा है, तो एंथैल्पी क्या है देनी पड़ रही है एनर्जी, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन आया है। ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, नेक्स्ट पढ़ेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या कह रहा है, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स it is the change in enthalpy when one mole of covalent bonds of a gaseous covalent compound of a gaseous covalent is broken to form products in the gas phase for example हम जैसे बात कर रहे हैं H2 गैस है और ये किस में टूट जाए, अभी ये कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्म में और ये एटम के रूप में आ जाए 2H गैस के रूप में, और ये आपकी जो HH है एंथैल्पी ऑफ इसमें हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो इसमें कितनी आएगी आपकी 435 435 किलो जूल मोल इनवर्स। देखो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में हम एटम में कन्वर्ट कर रहे थे,
लेकिन उसमें हम कोई भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या बॉन्ड डिसोसिएशन, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या व्हेन वन मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एक मोल कोवलेंट बॉन्ड ऑफ ए गैसियस कोवलेंट कंपाउंड, और ये भी कंडीशन है, उसमें वो सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड गैस, लेकिन आपका ये कोवलेंट कंपाउंड क्या होना चाहिए, कोवलेंट भी होना चाहिए और गैसियस भी होना चाहिए, गैसियस कोवलेंट कंपाउंड टू ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट इन द गैस फेज, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी किस फेज में होनी चाहिए, आपके गैस फेज में होने चाहिए। तो सिंपली हम कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, एक मोल गैसियस कोवलेंट कंपाउंड को इसकी गैसियस फॉर्म में जो तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे हाइड्रोजन एच टू है, गैसियस फॉर्म में है, कोवलेंट कंपाउंड है, अब ये एटम के रूप में हो गया तो इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही, इसीलिए यहाँ प्लस का साइन आया, प्लस 435 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये थी आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो देखो आज हमने इसमें क्या क्या, जो वीडियो में क्या क्या डिस्कशन किया है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, इसके बाद हमने डिस्कशन किया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है, फिर उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, इसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है। ओके, थैंक यू।